की आग की लपटें भयंकर निकलने लगी और पूरा क्षेत्र धुआं धुआं नजर आया। कई दशकों से बसी बसी भी आज रात के बॉर्डर की सीपैक खुलने के बाद लगभग 183 परिवार दिन रात मौत को अपने नजदीक से देख रहे, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब तक अगर कुछ मिला है नहीं। जो कार्य हो रहा है तो इसके कुछ ही दूरी पर कुछ परिवार बसे हुए हैं जिनको हमारे पार्टी और यूनियन की तरफ से कई बार मांग किया गया कि इन लोग का अभिलंब आप यहां से हटाइए और विस्थापन के तहत जो भी नियम के अनुसार में जो भी आता है इसका जमीन और मुआवजा दिया जाए। इसमें यहां का प्रबंधन टाल और यहाँ के लोग आज भयभीत है कि कुछ भी घटना घट सकता है। और आज के दिन में विशेष प्रबंधक का BGMS का कानून कभी जो है वो भी धत्ता बताते हुए है ताक में रख के कार्य करना। ये लोगों को जो आग लगा है ये लोग डर रहे हैं, कल से पहले से आग लगा था, बहुत दिन से ही हम लोग ये कर रहे थे कि इन लोगों का व्यवस्था हो जाए दूसरी जगह, लेकिन बहुत विशेषल क्वार्टर बहुत खाली है, लेकिन फिर भी इन लोगों को नहीं दे रहा, डर डर के रह रहे ये लोग। लेकिन आज तो बहुत दिख रहा है ना सामने से, तो कैसे रहेंगे ये लोग। अभी प्रबंधन के साथ क्या वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? वो लोग कुछ नहीं बोले।